अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो एक्चुअल किसी रनिंग प्रोडक्ट का रिलीज नोट्स है मतलब एक स्प्रिंट मल्टीपल स्प्रिंट्स खत्म हुई हैं uh, यानी एक रिलीज एक्चुअली ख़त्म हुई है और हमने अब क्लाइंट को या हमारे केस में इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे इंटरनल क्लाइंट थे वो हमारी सेल्स टीम थी तो हमने सेल्स टीम को एक बेसिकली हैंडशेक डॉक्यूमेंट शेयर किया और uh, ये डॉक्यूमेंट मैं भी आपको प्रेजेंट करता हूँ लेकिन बिफोर प्रेजेंटिंग दैट डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन आपको नज़र आएगा ओपन इश्यूज का अमूमन कंपनीज के अंदर या स्टार्टअप्स के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा आप कह लें आर्गूमेंट होता है अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान लफ्जों में समझाऊँ वो ओपन इश्यूज के ऊपर होता है कि जो सेल्स के लोग होते हैं या जो मार्केटिंग uh, के लोग होते हैं उनको आपको ये बताना पड़ता है कि uh, जो इंजीनियरिंग टीम है वो मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन वो हर काम डिलीवर नहीं कर सकते जो कमेंट किए देर टू बी सर्टन गिव एंड टेक यानी कॉम्प्रोमाइज होते हैं सो लेट मी शो यू वन रियल टाइम आप कह लें रिलीज नोट डॉक्यूमेंट जो कि किसी रिलीज के एंड पे जो क्यू ए डिपार्टमेंट होता है वो अमूमन हैंड ओवर करता है टू क्लाइंट सो नाउ स्टूडेंट्स अगर ये देखें एक ये बड़ा एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है एक्सेल की फाइल है एक्चुअली सबसे पहले उसके अंदर एक रिलीज नोट्स का टैब है फिर टेस्ट रेफरेंसेज हैं रोड मैप टू बीटा है, है यानी ये कि हमने बीटा लॉन्च की है आप समझें कंपेटेबिलिटी प्रोफाइल है ओपन इशूज हैं पहले देखते हैं रिलीज ओवरऑल में क्या लिखा होता है हम इसमें यह बता रहे हैं अब ये है हमारी इस प्रोडक्ट की एजम्शन ये थी कि एक रनिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ फीचर्स ऑलरेडी डेवलप हैं मतलब आपका ई कॉमर्स स्टोर रन हुआ हुआ है आप उसके अंदर फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो आप कौन से फीचर्स ऐड कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जिंग इवेंट्स हैं आप कैशे एनेबल कर रहे हैं एंड सो ऑन इस के इस डॉक्यूमेंट यानी जो पहली आपकी शीट है रिलीज नोट्स की उसमें देखें ये लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन गाइड कैसे है यानी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके बाद आपने ये कहना है कि ये इसका प्री रेक्यूज ये है कि हम के जो भी क्लाइंट इसको यूज करेगा उसके पास वन पॉइंट सेवन डॉट थ्री जो वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए उसके बगैर नहीं चलेगा जो अब मैं आपको इश्यूज बता रहा था ना यानी जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है वो ये होती है आउटस्टैंडिंग इश्यूज यानी ये वो लिस्ट ऑफ इश्यूज हैं जो हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वी विल आफ्टर ऑल वी विल गो विदीज इशूज यानी हम लाइव कर देंगे इस बिल्ड को या इस रिलीज को इन इश्यूज के साथ ही रीजन हर इशू आप फिक्स नहीं कर सकते मतलब आपको कही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और ये चीज बेसिकली निगोसिएशन होती है बिटवीन योर इंजीनियरिंग टीम एंड सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम या क्लाइंट आपको ये बताना पड़ता है कि हर चीज फिक्स नहीं करेंगे कुछ चीजें आने वाली जो रिलीजेज हैं उसके लिए भी आप पेंडिंग कर देते हैं उसके बाद लिस्ट ऑफ ओपन इशूज हैं यानी ये वो इश्यूज हैं जो हम फिक्स नहीं कर रहे एक होते हैं नॉन इश्यूज ये क्लाइंट को पता है ये मसला है ये इशू वो है कि हमें ये पता है कि ये इश्यूज अभी कैरी फॉरवर्ड होंगे क्लाइंट को चाहे आप बताएं या ना बताएं लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होंगे इसमें नहीं फिक्स कर रहे यानी क्लाइंट जो आपके ये वाले इश्यूज है ना क्लाइंट शुड नॉट रिपोर्ट दीज इशूज दीज आर फिक्स तो ओपन इश्यूज आप दिखाएं या ना दिखाएं ये अल्फा आउटस्टैंडिंग इश्यूज या आउटस्टैंडिंग इश्यूज आप लाजमत दिखाते हैं क्लाइंट को वरना ऑबियसली क्लाइंट यही पांच छह इशूज बार बार रिपोर्ट करना शुरू कर देगा और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप रोड मैप बता रहे हैं बहुत जरूरी है ये आपको ये बताता है कि क्लाइंट जो है यानी क्लाइंट को थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं कि जी इसके अंदर हमारे गोल थे इस रिलीज के हमने स्टेबिलिटी अचीव करनी थी मेमोरी लीक नहीं होगी रोबस्टनेस यानी कोई क्रैशिज नहीं होंगे डाटा इंटेग्रिटी यानी कोई इनवेलिड डाटा नहीं होगा एंड सो ऑन और अब आप क्लाइंट को यह बता रहे हैं कि हमने जो टेस्ट किए थे ना उनकी लिस्ट है पूरी नाउ चेक इट आउट देखें जरा आप कोई भी क्लाइंट होगा उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि एक एक्सैल टेस्ट किया है रिग्रेशन किया है एग्रेशन किया है, है एमसीपीटी आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि यह डायरेक्ट डेवलपमेंट टीम से होके नहीं आया इसको टीम ने ड्यू प्रोसेस करने के बाद हैंड ओवर किया है फॉर्मली टू द क्लाइंट ताकि क्लाइंट को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो ये बेसिकली एक रियल टाइम रिलीज नोट की एग्जाम्पल है जो अमूमन अगेन याद रखिएगा ये स्प्रिंट एंड पे नहीं पब्लिश हुआ करती ये रिलीज के एंड पे अमूमन हम पब्लिश करते हैं अगर स्प्रिंट के एंड पे भी कर दें तो लेकिन वो थोड़ा सा ओवरहेड हो जाता है लेकिन देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये रिलीज के एंड के ऊपर है